गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है फॉर द फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में डायरेक्ट सेल होता है सिक्योरिटीज का, जो एक कंपनी करती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या इशूइंग हाउसेस को। डायरेक्टली एक्वायर जो करता है सिक्योरिटीज, इशूइंग हाउस करता है इशूइंग कंपनी से एट एन एग्रीड प्राइस और प्लेस करता है सिक्योरिटीज आगे अपने इन्वेस्टर क्लाइंट्स इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल्स को। जो इंटरमीडियरी होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रिपेयरिंग एन ऑफर मेमोरेंडम और नेगोशिएट करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को। जो एडवांटेजेस है प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड के, दैट इज़ ये इजी एसेस देता है आपको कैपिटल मार्केट की ज़्यादा क्विकली एज़ कम्पेयर टू दी पब्लिक इशू। जो कंपनी है उसे कॉस्ट इंकर करने की ज़रूरत नहीं है रिलेटिंग टू इशू। जो कंपनी है उसे इकोनॉमी मिलती है इन इशूइंग एक्सपेंसेस, मतलब इशूइंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कम होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट इंश्योर करता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं जो पब्लिक इशू नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो पब्लिक इशू करेंगी तो उन्हें लगेगा कि फियर होता है उन्हें कि टेक ओवर ना हो जाए, इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस एक्सेट्रा जैसी चीज़ें ना हो, तो उस केस में वो प्राइवेट प्लेसमेंट को ज़्यादा आप कहें कि अहमियत देती हैं। देन वो शेयर्स जिसमें पब्लिक शो इंटरेस्ट नहीं करती है उसे आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सोल्ड कर सकते हैं। कई पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादा छोटी होती हैं, वो पब्लिक इशू को अफोर्ड नहीं कर सकती और इन केस उन्हें मनी चाहिए होती है तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के थ्रू मनी रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं। इस मेथड के थ्रू जो इशू है वो कंसंट्रेट हो जाता है फ्यूअर हैंड्स में, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो थोड़े से ही होते हैं और लिमिटेड से होते हैं, उन्हीं के हाथों में वेल्थ कंसंट्रेशन हो जाती है। जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो आर्टिफिशियल स्केयरसिटी सिक्योरिटीज़ की आपकी शेयर्स की क्रिएट कर सकते हैं और जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं टेम्प्रेरली इंक्रीज हो जाते हैं। ये मेथड जो इन्वेस्टिंग पब्लिक है उसके माइंड में कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करता है। अगर इन्वेस्टर को पता चले कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट निकाल रही है तो वो उन कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसमें कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करेगा इन्वेस्टर का। तो ये डाटा दिया हुआ है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट इन इंडिया का 2012 और 2013 में। जो RBI है उसकी रिपोर्ट डिस्क्लोज करती है कि तो ऑल दो जो पब्लिक इशू मार्केट है लास्ट फ्यू इयर्स में डिप्रेस कंडीशन में रही है, कॉर्पोरेट्स लेकिन स्टिल एबल रहे हैं कि वो साइजेबल फंड्स, मतलब ज़्यादा फंड्स वो प्राइवेट प्लेसमेंट करके मार्केट में रेज कर पाए हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO थ्रू सेकेंडरी मार्केट। जो प्रपोजल है मार्केटिंग करने का IPO का थ्रू सेकेंडरी मार्केट वो एक्सेप्ट किया था सभी ने इन अक्टूबर 1999। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेबी है उसने अलाउ किया कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसे यूज़ कर सकते हो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के लिए। इस सिस्टम के थ्रू जो टाइम आपका लगता था IPO को कंप्लीट करने के लिए वो रिड्यूस होकर 2 वीक्स हो गया और इस सिस्टम के अंदर जो ब्रोकर्स हैं उन्हें एडवाइस दी जाती है कि जो भी सक्सेसफुल अलॉटीज हैं उन्हें कहें कि वो सबमिट करें एप्लीकेशन आफ्टर द बेसिस ऑफ एलोकेशन जो है वो फाइनलाइज हो गया है। जो अमाउंट पेबल होगी वो ब्रोकर के थ्रू पेबल होती है क्लियरिंग हाउस को और उसके बाद जो क्लियरिंग हाउसेज है वो डिपॉजिटरी के अकाउंट जो है इन्वेस्टर का उसके अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट करता है। ये जो टर्म्स आपको यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं दैट इज़ क्लियरिंग हाउस डिपॉजिटरी अकाउंट डिपॉजिटर्स का, ये ज़्यादा कन्फ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हम जब आगे अपना टॉपिक करेंगे कि कैसे फंक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में तो वहाँ पर आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि इसमें होता क्या है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, सेवर ने इन्वेस्ट किया है कंपनी के शेयर्स में तो वो शेयर्स जो होते हैं कंपनी डिपॉजिटरी के पास देती है, अपने अकाउंट एक होता है डिपॉजिटरी अकाउंट में जमा करवाती है, उसके बाद जिसको वो शेयर्स इशू करने हैं
जो डिपॉजिटरी अकाउंट है कंपनी का, उसके अकाउंट से वो जाते हैं उस पर्सन के डीमैट अकाउंट में। तो जो क्लियरिंग हाउस होता है स्टॉक एक्सचेंज का, वो ये देखता है कि शेयर्स जो हैं वो पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए हैं जो इन्वेस्टर है उसके पास, और जो इन्वेस्टर ने पैसे देने हैं कंपनी को वो दे दिए गए हैं या नहीं दे दिए गए हैं, और वो चीज़ वैलिड है या नहीं है, ये काम देखना क्लियरिंग हाउस का है। देन नेक्स्ट जो फीचर्स हैं आपके इनिशियल पब्लिक ऑफर मेथड के, दैट इज़ जो ब्रोकर है उसे सेपरेट एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ता है प्राइमरी मार्केट इशू के लिए। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट होता है एक अलग से आप बैंक के पास एक एज अ गारंटी के लिए आप एक अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें आप कुछ अमाउंट जमा करवाते हैं, और वो अमाउंट तब तक आप उससे नहीं निकाल सकते जब तक जो आपका इशू का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जो ब्रोकर है वो प्लेस करता है ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ शेयर एलोकेशन जो ब्रोकर है वो एडवाइस करेगा सक्सेसफुल एलॉटीज को कि वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और जो अमाउंट पेबल है शेयर्स के लिए वो दें। देन जो क्लियरिंग हाउस है एक्सचेंज का, वो डेबिट करेगा प्राइमरी इशू अकाउंट जो ब्रोकर का है, और जो क्रेडिट है इश्यूअर का अकाउंट करेगा। जो सर्टिफिकेट है वो इन्वेस्टर को दिया जाएगा, और जो डिपॉजिटरी अकाउंट है उनका क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब डीमैट अकाउंट में उसके आप जो शेयर्स हैं दे सकते हो, सिक्योरिटीज़ है वो क्रेडिट कर सकते हो, या फिर आप जो सर्टिफिकेट है उसे इन्वेस्टर को डिलीवर कर सकते हो। देन आता है कंडीशंस फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने के लिए मैं बताना चाहूँगी, दैट इज़ आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, दैट इज़ सभी गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इशू। जो वो टॉपिक है आपका, ये जो हम यहाँ पे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए क्या गाइडलाइंस है, या आगे जो हम इसके बाद टॉपिक्स कवर करेंगे कि राइट इशू के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, बोनस शेयर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, जो वो टॉपिक है वो इसी में कवर हो जाता है। अदरवाइज आपका एक सेपरेट चैप्टर भी है इसका, फुल फ्लेज चैप्टर है, उसमें यही सारी जो गाइडलाइंस हैं वो आगे रिपीट होंगे। तो कंडीशंस क्या है इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए? जो रेगुलेशन 26 है सेबी की, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर्स रेगुलेशन 2009, वो डिस्क्राइब करती है कंडीशंस आईपीओ के लिए, और ये जो रेगुलेशंस हैं वो अमेंड की गई थी 2014 में। एज पर दीज रेगुलेशन जो कंडीशंस अप्लाई होंगी आईपीओ के लिए वो क्या है कि जो एक इशूअर है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सकता है अगर उसकी जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं वो एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए एवरी ईयर में प्रिसीडिंग 3 फुल ईयर्स में, मतलब पिछले 3 सालों में हर एक ईयर में उसकी जो नेट टेंजिबल एसेट है वो एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए, और उसमें से भी आउट ऑफ दिस जो मोर देन 50% है वो मॉनेटरी एसेट्स की फॉर्म में होनी चाहिए। जो कंडीशन है 50% की वो अप्लाई नहीं होगी अगर आप जो इशू निकाल रहे हो वो पूरा इशू आप ऑफर फॉर सेल मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं। देन जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज़ मिनिमम एवरेज जो आपका प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 15 करोड़ रुपीज़ का होना चाहिए ड्यूरिंग दी 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स आउट ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 सालों में से उन 3 सालों में जो आपका मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए वो 15 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। नेटवर्थ आपकी एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज होनी चाहिए पिछले 3 फुल ईयर्स में। देन जो एग्रीगेट प्रपोज्ड इशू है आपका और जो भी आपने प्रीवियस इश्यूज निकाले हैं सेम फाइनेंशियल ईयर्स में, उसका जो साइज है इशू का साइज है वो 5 टाइम्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 5 टाइम्स किस चीज़ का? 5 टाइम्स आपका जो प्री इशू नेटवर्थ थी एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसके 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी ने अपना नेम चेंज किया है पिछले 1 साल में तो एटलीस्ट 50% जो उसको रेवेन्यू मिलना चाहिए पिछले फुल प्रिसीडिंग ईयर का वो तब ऑन होना चाहिए जब आपकी एक्टिविटी ने इंडिकेट किया है कि कंपनी का न्यू नेम है। देन जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज एक इश्यूअर जो सेटिस्फाई नहीं करता है जो अबव कंडीशंस हैं आईपीओ की इशू निकालते हुए, और इशू जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू निकाल रहे हो तो ईश्वर को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि एटलीस्ट 75% जो ऑफर है नेट ऑफर जो है वो पब्लिक को हुआ है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को हुआ है। उसे ये भी अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि रिफंड करेगा वो फुल सब्सक्रिप्शन मनी अगर
जो मिनिमम अलॉटमेंट है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायस को नहीं करता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज जो इश्यूअर है वो आईपीओ कर सकता है कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का बिना उससे पहले कोई पब्लिक इशू अपने इक्विटी शेयर्स का निकाले हुए या लिस्टिंग किए हुए। कोई भी जो भी इश्यूअर है वो अलॉटमेंट नहीं करेगा अगर जो नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज हैं आपके वो लेस देन 1000 है। नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज जो इश्यूअर है वो आईपीओ नहीं करेगा अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या कोई भी अदर राइट जो इंटाइटल करती है किसी पर्सन को, उसके पास ऑप्शन है कि उसे इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो आप आईपीओ नहीं निकाल सकते हो। जो ये कंडीशन है रेगुलेशन वो अप्लाई नहीं होगी अगर पब्लिक इशू आपने तब निकाला है जब जिस ईयर में उस ईयर में निकाला है जिस ईयर में कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट जो है आपके वो करंट है, मतलब जिस ईयर में आपने कन्वर्शन का ऑप्शन देना है, जो आपने और वो भी जो कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इशू किए गए थे थ्रू आईपीओ। जो कन्वर्शन प्राइस है उन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का वो पहले से प्रीडिटरमाइंड होना चाहिए और डिस्क्लोज्ड होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। नेक्स्ट जो भी आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस आपने ग्रांट किए हैं एम्प्लॉइज को अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम जो बनाई गई थी इन अकॉर्डिंग्स विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीए। देन जो आपका फुली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है उसे जिसे रिक्वायर्ड है कन्वर्ट करना ऑन या बिफोर पहले या उस डेट को डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और द प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जो आप फाइल करवाते हो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो बोर्ड है उसके पास, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता है उस टाइम पे। उसमें सारी कंडीशंस आप लिखेंगे, जो SEC है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या जो बोर्ड है वो उसे चेक करेगा, लेकिन वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा। प्लस एक जो मेजर डिस्टिंक्शन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के लिए है दैट इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होगी। सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होगी कि आप कितने का इशू निकाल रहे हैं और किस साइज का इशू निकाल रहे हैं और किस प्राइस पे इशू निकाल रहे हैं, इस दो इन्फॉर्मेशन को छोड़ के बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप फाइनल प्रोस्पेक्टस मेन प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करवाते हो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के पास, जिसे हम सेबी बोल रहे हैं उसके पास, तो उसे हम रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो जो फुली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं जिन्हें आपने कन्वर्ट करना है ऑन और बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और द प्रोस्पेक्टस। देन जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज इक्विटी शेयर्स आप ऑफर कर सकते हो सेल टू पब्लिक के लिए अगर वो जो इक्विटी शेयर्स है आपने हेल्ड किए गए हैं, सेलर्स ने उसे हेल्ड किया है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर प्रियोरियर, 1 साल के लिए उसके पास हैं वो प्रियोरियर। किससे पहले? डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद दी बोर्ड, बोर्ड के पास जब आपने फाइल किया है ऑफर डॉक्यूमेंट उसके 1 साल पहले से उसके पास वो शेयर्स होने चाहिए। ये कंडीशन होल्डिंग इक्विटी शेयर्स फॉर 1 ईयर जो है वो अप्लाई नहीं होगी। किस केसेस में? अगर जो ऑफर फॉर सेल है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का गवर्नमेंट कंपनी का है, स्टेचुरी अथॉरिटी का है, कॉरपोरेशन का है, या किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो सेटअप किया गया था और जिसे कंट्रोल कर रहा है any one or more of them जो engaged है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। दूसरा, अगर जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं ऑफर्ड फॉर सेल जो है वो एक्वायर की है आपने किसी स्कीम के अंडर जो अप्रूव की है हाई कोर्ट ने अंडर सेक्शन 391 से 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 इन लियो ऑफ बिजनेस और इन्वेस्टेड कैपिटल है जो एग्जिस्टेंस में है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर टू सच अप्रूवल। देन जो सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सेल हैं वो इशूड हैं अंडर अ बोनस इशू ऑफ सिक्योरिटीज जो आपने हेल्ड करके रखी हैं एटलीस्ट 1 ईयर प्रियर टू द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, किसके साथ? बोर्ड के साथ, और सब्जेक्ट टू द फर्दर कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि ये जो सिक्योरिटीज हैं वो इशूड थी आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम जो एग्जिस्टिंग प्रीवियस ईयर का था फाइनेंशियल ईयर का
फाइलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट करने से बोर्ड के पास, और जो सिक्योरिटीज हैं वो इशू जो सच सिक्योरिटीज नॉट बीइंग इशूड बाय, कैसे इशू नहीं की है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑफ द इशूअर को यूज करके आपने उसे इशू नहीं किया है. नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच.